कोरोना महामारी और लंबे लॉकडाउन जिसके अभी खुलने का आसार भी कम दिखाई दे रहा है, उसी के चलते सब्जियों फल फ्रूट के बाद अब निमाड़ का फ्रिज कहे जाने वाले मटके का व्यापार भी चौपट हो गया है। खरगोन जिले के सेगांव में इस धंधे से जुड़ा प्रजापत समाज सरकार की ओर राहत भरी नजरों से देख रहा है। शायद डूबती कश्ती को सहारा मिल जाए। सेगांव सहित समीप ग्राम गोलवाड़ी के 40 वर्षों से लगातार मिट्टी के मटके दीपक शंकु ने तवा और कलश बनाने वाला प्रजाति परिवार इसको बेचकर ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है और उनकी रोजी रोटी का भी यही आसरा है। लेकिन कोरोना महामारी व लगातार एक महीने से अधिक समय तक का लॉकडाउन के कारण उन्होंने भीषण गर्मी में अच्छी बिक्री की आस से हजारों मटकों का निर्माण किया। उसके लिए पूरे परिवार ने रात दिन एक करके मिट्टी के मटके बनाए थे। गोलवाड़ी के मटके व्यवसायी चमनलाल और बनवारी प्रजापत ने बताया कि कई वर्षों से मटकों के व्यवसाय में है और मेरा पूरा परिवार काम करता है, इसलिए इस बार अचानक कोरोना महामारी की आफत आने से हमारी रोजी रोटी का संकट छा गया है। हमारा व्यवसाय पूर्ण रूप से ठप्प पड़ा हुआ है, जिसमें खाने पीने के लाले पड़ गए हैं और मटके बनकर तैयार हैं मगर कोई लेनदार नहीं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।